नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी में और मैं हूं आनंद कुमार। डिस्कस करेंगे आज इस सप्ताह का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर। लास्ट टाइम हमने 30 जून तक के जितने भी छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सब का एनालिसिस कर लिया था। आज के इस वीडियो में जुलाई से स्टार्ट करेंगे, 1 जुलाई से लेकर आज तक यानी कि 7 जुलाई तक छत्तीसगढ़ के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे उन सब का हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालिसिस करेंगे और आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि ACF को लेकर भी करंट अफेयर करवा दीजिए। तो फिलहाल मैं आप लोगों से पिछले वीडियो में भी बोला था कि जो भी अभी करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है आप लोग उसको प्रॉपर रेगुलरली फॉलो करते रहिए। इसके अलावा मैंने आप लोगों से ये भी बोला था कि जैसे ही ACF का पेपर आ जाएगा अगर तय समय पर होता है तो जितने दिनों का भी करंट अफेयर पूछा जाने वाला है वो मुझे पता है उन सबको मैं अच्छे तरीके से पूरा कवर करवा दूंगा। 80% की गारंटी मैंने आपको पहले भी दे रखा है, अगर किस्मत अच्छी आपकी रही तो 100% भी कवर हो सकता है। तो ACF का करंट अफेयर पूरा कवर करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत रहिएगा। फिलहाल जो भी करंट अफेयर के सीरीज चल रहे हैं आप उसको प्रॉपर फॉलो करते रहिएगा। इसके अलावा अगर आप घर बैठे CGPSC मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स लॉन्च हो चुका है CGPSC मेंस, और ACF की तैयारी करना चाहते हैं तो ACF से रिलेटेड भी कोर्स लॉन्च है। इस पे वीडियोस भी बना हुआ है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर लें या फिर आप इन दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दोनों से रिलेटेड हमारे पास टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, प्रीलिम्स के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे आपकी तैयारी से जुड़ी छत्तीसगढ़ में किसी भी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो सारी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। वहां पर वेबसाइट पर विजिट करके आप वहां से अधिक जानकारी ले सकते हो। CGPSC मेंस प्रोग्राम में कुछ खास ऑफर आप लोगों के लिए चल रहा है तो इसकी भी अधिक जानकारी आपको वेबसाइट से या फिर इन दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हम लोग छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में सबसे पहले कहां से करते हैं, क्वेश्चन से करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक्स एनालिसिस किए थे उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसका हम यहां एनालिसिस करते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन यहां पर मैं एनालिसिस करता हूं ना उसका मैक्सिमम चांसेस ऐसा होता है कि वो आपसे पेपर में पूछा जाए, तो मैं वही क्वेश्चंस उठाता हूं जिसका चांसेस होता है कि परीक्षा में ये पूछा जाएगा। तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है गोधन न्याय योजना की शुरुआत प्रदेश में कब से की जाएगी। ऑप्शन है हरेली, पोला, अक्षय तृतीया या फिर गोवर्धन पूजा। नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है बायोटेक किसान हब की स्थापना प्रदेश के किस संभाग में किया जाना है, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या फिर बस्तर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में मत्स्य बीज उत्पादन में प्रदेश का कौन सा स्थान है पूरे देश में, दूसरा, चौथा, छठवां या फिर आठवां। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में छत्तीसगढ़ को ई पंचायत पुरस्कार में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। चारों क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे क्योंकि चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक पिछला वीडियो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वाला नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए इसके बाद जो आज के इस वीडियो का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपके मुख्य परीक्षा में भी काम आ सकता है, ऐसी राइटिंग में आप इसका वैल्यू एडिशन के तौर पर यूज़ कर सकते हो, पेपर नंबर 5 में भी यूज कर सकते हो। ये टॉपिक है छत्तीसगढ़ क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहा है, इसी से रिलेटेड है क्योंकि हाल फिलहाल में जो कुछ एक्टिविटीज गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिली है उससे तो यही कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ जो है अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को यानी कि जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। किसकी तरह? पूर्वोत्तर राज्यों की तरह। क्योंकि कुछ समय पहले या फिर बहुत पहले से अगर आप देखोगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में खासकर ऑर्गेनिक खेती को बहुत अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कौन कौन से ऐसे सरकार के स्टेप्स हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के ऐसे स्टेप्स हैं जिस पर हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार भी अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रही है। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा सुराजी गांव योजना। सुराजी गांव योजना के तहत में ग्रामीण को सशक्त बनाने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 4 महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए गए, नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी।
नरवा के तहत में भी आपको पता है, गरवा के तहत में भी पता है, घुरवा के तहत में भी पता है कि सरकार क्या करवाना चाहती है, और बाड़ी के तहत में भी सरकार क्या करवाना चाहती है, इन सबको हमको पता है। तो इन सबको देखने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि जो छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो बूस्ट हो, क्योंकि आपको पता है लगभग 76% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो जब तक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास अच्छे तरीके से नहीं हो, तब तक छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों का जो विकास है वो नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान की सरकार है वो ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस करना चाहती थी, इसीलिए सुराजी गांव योजना के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए सुराजी गांव योजना की शुरुआत की गई। अब वर्तमान समय में कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रही है। कैसे? अभी कुछ दिन पहले ही गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है। गोधन न्याय योजना हरेली पर्व के अवसर पर शुरू होने वाला है, और गोधन न्याय योजना के अंतर्गत सरकार जो है गोबर की खरीदी करेगी। वर्तमान समय में लगभग पूरे प्रदेश में आपके 250 के आसपास में गौठान है जहां पर जानवर है, जहां पर गोबर आता है, और इसके अलावा लगभग 5000 का टारगेट है, बहुत जल्द ये पूरा होने वाला है, मंजूरी भी मिल चुका है, ये गौठान भी तैयार हो जाएंगे। उसके अलावा इन गोबर का रेट भी तय किया गया है कि 1.5 रुपये के आसपास पर के जी गोबर को खरीदा जाएगा। अब इन गोबर का इस्तेमाल सरकार क्या करेगी, इन गोबर का इस्तेमाल सरकार जो है वो कंपोस्ट खाद बनाने में करेगी। अब जब कंपोस्ट खाद बनेगा तो यहां पर जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का कॉन्सेप्ट था, तो इसमें घुरवा का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, और इस गोबर के खाद के कॉन्सेप्ट से यहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सकेगा। तो जो गोधन न्याय योजना है यहां पर एक तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है, लोगों के पास में पैसा आ जाएगा, उनके जंतुओं के गोबर अगर बिकने लगे तो उनके पास में पैसा आएगा, उनका परचेसिंग पावर बढ़ेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। तो गोधन न्याय योजना कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ इशारा कर रही है छत्तीसगढ़ में। तो अगर छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इन चीज़ों का वैल्यू एडिशन जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट करते जाइएगा। इसके अलावा रोका छेका कार्यक्रम, आप लोग यहाँ पर ये चीज़ समझ रहे होंगे कि रोका छेका कार्यक्रम छत्तीसगढ़ सरकार ने इसलिए चलाया है ताकि जानवरों को रोका जा सके, फसल की बर्बादी ना हो, इसीलिए क्योंकि जानवर जो हैं खेत में पहुंच जाते हैं, इसीलिए वहां पर अगर खेत में पहुंच गए तो फसल की तो बर्बादी होती ही है। तो रोका छेका कार्यक्रम का एक और ऑब्जेक्टिव है, अगर वहां पर जानवरों को प्रॉपर तरीके से रोका जाए, प्रॉपर तरीके से छेका जाए, खेतों में ना जाने दिया जाए और उनको जगह पे रोका जाए, तो वो जगह पे गोबर आएगा, गोबर जगह पे आएगा तो वहाँ पर कंपोस्ट खाद प्रॉपर तरीके से बनाया जा सकेगा। तो कहीं ना कहीं रोका छेका कार्यक्रम जो है वो गोधन न्याय योजना से जुड़ा हुआ है। अब रोका छेका कार्यक्रम के तहत एक तो किसानों का फसल बर्बाद नहीं होगा और गोधन न्याय योजना से भी जोड़ा जा सकता है और कंपोस्ट खाद यहाँ पर भी विकसित किया जा सकता है। तो वर्तमान समय में पिछले 1-2 साल में सरकार की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी प्लान्स हैं, जो भी स्कीम्स हैं, उस आधार पे हम कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरह छत्तीसगढ़ स्टेट्स भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रही है, और एक बहुत अच्छी बात है। एक तो देखिए अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, यहाँ पर एक पौष्टिक जो आप बोल सकते हो फसलों का उत्पादन होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएगी, और यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ सरकार समर्थन मूल्य दे रही है इसमें किसानों को और ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि किसानों को यहाँ पर खर्च कम करने पड़ेंगे, जो रासायनिक खादों का परचेस करना पड़ता है किसानों को वो परचेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इनको जो कंपोस्ट खाद है वही मिल जाएगा, तो इनकी इनकम और बढ़ेगी। जब इन किसानों की इनकम बढ़ेगी तो इनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी। तो आपको पता है ना कि छत्तीसगढ़ में 76% पॉपुलेशन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, 80% पॉपुलेशन जो है वो कृषि पर आधारित है। तो जब इनकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था तो बेहतर होनी ही है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते थे, तो इसीलिए यहाँ पर गोधन न्याय योजना कवर हो गया, रोका छेका कार्यक्रम कवर हो गया, सुराजी गांव योजना कवर हो गया, बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई, इसलिए आप इसको बेहतर तरीके से बेहतर ढंग से आप यहाँ पर समझ सकते थे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमारे पास जो सेकेंड पॉइंट है वो अरपा पैरी के धार,
ये पता है कि ये अब हमारा राजकीय गीत है, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। ये 2019 में आया था, राजगीत बना था और उस समय काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था, काफ़ी न्यूज़ में भी था और उम्मीद भी था कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स में पूछा नहीं गया था। लेकिन ACF में बहुत अधिक तक चांसेस है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, इसीलिए आप प्रिपेयर रहिएगा। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इसको पूरी तरह से एनालाइज अच्छे से आप जरूर कीजिएगा। और प्रेजेंट टाइम पर ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, जो कि हमारा छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है, यह राजगीत जो है अब स्कूलों में भी गाया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो सरकारी स्कूल है। प्राइवेट स्कूल अगर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ में लगभग 6,500 के आसपास हैं, सरकारी स्कूल अगर आप छत्तीसगढ़ में आप देखोगे तो लगभग 5,500 के आसपास हैं। तो इन स्कूलों में भी प्रार्थना के साथ राजगीत को भी गाया जाएगा। राजगीत के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर जरूर दूंगा। इसका अनाउंसमेंट हुआ था राज्योत्सव जब चल रहा था, 3 नवंबर 2019 के दिन इसका अनाउंसमेंट किया गया था, लागू किया गया था, यानी कि राजपत्र में इसको प्रकाशित किया गया था 18 नवंबर 2019 को। रचनाकार हैं यानी कि इस गीत के रचयिता हैं स्वर्गीय डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, और अवधि है अगर वाद्य यंत्रों के साथ में इस गीत को गाया जाता है तो 6 मिनट 36 सेकंड में इस गीत को गाया जाता है। लेकिन यह गीत बहुत लंबा है, प्रार्थना में अगर इसको शामिल करते हो या कहीं और शामिल करते हो या कुछ फंक्शंस चल रहा है वहाँ अगर शामिल करते हो तो ये अवधि बहुत लंबी है, तो इसीलिए लगभग 1.5 मिनट से 2 मिनट की अवधि तक सरकार इसको लेकर आई थी। तो इस राजगीत के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। एक प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़कर मैं जा रहा हूँ, इसका जवाब भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। जो हमारा राष्ट्रगान है इसको गाने की अवधि क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का हमारा टॉपिक है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बचपन में हम लोग जब पढ़ा करते थे तो हिंदी में हमने एक कविता पढ़ा था, पुष्प की अभिलाषा। इस कविता को किसने लिखा था, इस कविता को लिखा था पंडित माखन लाल चतुर्वेदी ने। इस कविता के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये छत्तीसगढ़ में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस कविता के रचयिता पंडित माखन लाल चतुर्वेदी ने इस कविता को कहाँ लिखा था, बिलासपुर सेंट्रल जेल में लिखा था। और उस समय बिलासपुर का सेंट्रल जेल का जो बैरक नंबर 9 था वहाँ पर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को रखा गया था। आज से 100 साल पहले लगभग 1921 में आज़ादी के दीवाने में जोश में जब इन्होंने बहुत भाषण दिया था जबलपुर में, उस समय चल रहा था असहयोग आंदोलन, उसी समय उन्होंने उस जेल में इस कविता को लिखा था। तो ध्यान रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, 5 जुलाई 1921 को उन्हें गिरफ्तार करके बिलासपुर के सेंट्रल जेल में रखा गया था। और उसी वक्त जो पुष्प की अभिलाषा इनकी एक बहुत ही पॉपुलर कविता है इसको इन्होंने लिखा था बिलासपुर के सेंट्रल जेल में ही, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। 100 वर्ष जो है पूर्ण हो चुका है इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में भी जान लेते हैं। इनका जन्म जो है 4 अप्रैल 1889 को हुआ था, इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1968 78 वर्ष की उम्र में हुआ था, भोपाल के मध्य प्रदेश में हुआ था इनका मृत्यु। और इनका जन्म जो है वो होशंगाबाद में हुआ था, ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, कब, 1955 में। तो इतनी बातें कम से कम आप लोग माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में याद जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है GST कलेक्शन से रिलेटेड, थोड़ा सा कंटेंट अंदर चले गया, कोई बात नहीं। GST कलेक्शन से रिलेटेड, देखिए लॉकडाउन में कहीं ना कहीं GST कलेक्शंस पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। हालांकि सिर्फ GST कलेक्शन क्यों, पूरा जो सरकार का रेवेन्यू होता है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ और जो जून का मंथ हुआ उसमें GST कलेक्शन में खासकर छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है 2020 में। इस पर थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं 2019 में जो GST कलेक्शन था छत्तीसगढ़ का उससे
22% ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है जून 2020 में। तो यहाँ पर ये आंकड़ा देख लीजिए, 22% ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है 2019 के कंपैरिजन में। 2019 में 293 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था छत्तीसगढ़ में, जून 2019 की बात कर रहा हूँ, और वहीं जून 2020 में जीएसटी कलेक्शन 2549 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, यानी कि 22% का इजाफा हुआ है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आएगा कि जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि कैसे हुआ, या फिर अगर किसी स्टेट में जीएसटी कलेक्शन का वृद्धि होता है तो कैसे होता है। छत्तीसगढ़ का एग्जांपल देता हूँ। छत्तीसगढ़ में सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, और यहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलाया गया, जहाँ पर किसानों को अतिरिक्त समर्थन मूल्य दिया गया। मनरेगा के तहत में यहाँ पर रोजगार की गारंटी में सबसे ज़्यादा रोजगार दिया गया। इस मामले में भी छत्तीसगढ़ अव्वल रही। तो इन मामलों में कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ी आबादी है छत्तीसगढ़ की, ग्रामीण क्षेत्रों वाली, रूरल एरिया वाली, उनके पास में पैसा आया है। तो जब इनके पास में पैसा आया है तो इनका परचेसिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता बढ़ी है, और खरीदने की क्षमता बढ़ी तो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनका जो जीएसटी का कलेक्शन है वो बढ़ा है, और 2019 जून से कंपेयर करके आप जून 2020 में कंपेयर करते हो तो 22% का यहाँ पर इजाफा देखने को आपको मिलता है। अगर ओवरऑल इंडिया में छत्तीसगढ़ का आप कंपेयर करके यहाँ पर देखोगे तो 2019 और 20 में जो टोटल जीएसटी कलेक्शन छत्तीसगढ़ में हुआ था वो 9,422 करोड़ रुपए का हुआ था, और 2018 और 19 में 8,200 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। तो यहाँ भी लगभग 1,222 करोड़ रुपए का इजाफा आपको 2018-19 से 2019 और 20 में देखने को मिलता है। ये डेटा मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर नंबर 5 में आपका काम आ सकता है। और जीएसटी कलेक्शन क्यों बढ़ा है, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो प्रयास किए, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो भी अपनी भूमिका निभाई, उस आधार पे आप यहाँ पर वैल्यू एडिशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है, राज्य में मुनगा लगाने का महाभियान शुरू हुआ है, और ये महाभियान किस तिथि को शुरू हुआ है, प्रीलिम्स के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एसीएफ के लिए ये महाभियान आपका शुरू हुआ है 6 जुलाई को मुनगा लगाने का। थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ उन राज्यों में है जहां पर माल न्यूट्रिशन की समस्या सबसे अधिक है, यानी कि बच्चों में कुपोषण की समस्या सबसे अधिक है। लगभग ये 38% के आसपास ये रेशियो है। लेकिन आपको पता है कि 2 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक बहुत बड़े स्तर पे एक कैंपेन शुरू किया गया था, कुपोषण अभियान। उस कुपोषण अभियान को शुरू करने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि 68,000 बच्चे माल न्यूट्रिशन से बाहर निकल चुके हैं। ये मुनगा से इसका क्या रिलेशन है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब तक ये समझ लीजिए कि 68,000 बच्चे माल न्यूट्रिशन से बाहर निकल चुके हैं, और ये लगभग 13.79% है, जो जितने भी बच्चे कुपोषण हैं उसमें से 13.79% बच्चे कुपोषण से बाहर निकल चुके हैं। अब यहाँ पर मुनगा का महाभियान चलाया जा रहा है, इसका रिलेशन कुपोषण से क्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कुपोषण अभियान छत्तीसगढ़ में कब से चलाया गया, पूछा जा सकता है, 2 अक्टूबर 2019 से। तो मुनगे में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, आयरन की प्रचुर मात्रा होती है, बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालता है, महिलाओं में एनीमिया की समस्या को कम करता है, और प्रदेश सरकार जो है प्रत्येक वर्ष हरियर छत्तीसगढ़ मनाती है इस मौसम में, बरसात के मौसम में। और इस वर्ष टारगेट रखा है 8 करोड़ वृक्षारोपण का, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में मुनगे का पौधा लगाया जाएगा। जैसे राम वनगमन पथ बनाया गया है तो उस पथ पे बहुत सारे मुनगे के पौधे लगाए जाएंगे, क्योंकि ये तैयार भी बहुत जल्दी होता है। स्कूल्स हो गए, आंगनवाड़ी केंद्र हो गए, स्वास्थ्य केंद्र हो गए, इन सारे जगहों पे बहुत अधिक मात्रा में मुनगा का पौधा लगाया जाएगा। तो इसीलिए इन मुनगे के पौधे को लगाने से यहाँ पर बच्चों को या फिर महिलाओं को या फिर और लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, आयरन मिलेगा अच्छी,
यानी कि एक अच्छा पोषक तत्व मिलेगा। और इसी मुनगे पर आधारित, इसके रोपण पर आधारित छत्तीसगढ़ में एक महाअभियान की शुरुआत की गई और इस महाअभियान की शुरुआत 6 जुलाई को किया गया। ये डेट मस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और कुपोषण से इसे कैसे रिलेट किया गया इस बात को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज के संग्रहण में देश में बना हुआ है अव्वल, यानी कि जो लघु वनोपज का संग्रहण छत्तीसगढ़ सरकार कर रहा है उसमें टॉप पर है छत्तीसगढ़। हालांकि ये टॉपिक एक बार हमने और पढ़ा था और उस समय भी छत्तीसगढ़ लघु वनोपज के संग्रहण में टॉप पर ही था। उस समय छत्तीसगढ़ 21 लघु वनोपज का संग्रहण कर रहा था समर्थन मूल्य पर, उसके बाद फिर 25 लघु वनोपज का संग्रहण करने लगा समर्थन मूल्य पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अब 31 लघु वनोपज का जो संग्रहण है वो छत्तीसगढ़ सरकार करेगा समर्थन मूल्य पर। कौन कौन से लघु वनोपज को बढ़ाया गया है और कौन कौन से लघु वनोपज का संग्रहण छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है वो भी मैंने सारी चीज़ें बता दी थी। अब यहाँ पर सिर्फ इस वीडियो में इतना बताऊँगा कि छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा लघु वनोपज का संग्रहण कर रही है समर्थन मूल्य पर, और सबसे ज़्यादा संग्रहण करने के मामले में टॉप पर है। और यह रिपोर्ट जो है किसने रिलीज किया है, ट्राइफेड ने रिलीज किया है। ट्राइफेड का मतलब है द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके तरफ से यह आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार 4 जुलाई के रिपोर्ट की स्थिति में देखोगे, 4 जुलाई तक के रिपोर्ट की स्थिति में टोटल 104 करोड़ यानी कि लगभग मान लो 105 करोड़ रुपए की राशि के लगभग यहां पर 46,039 मीट्रिक टन लघु वनोपज का संग्रहण सिर्फ छत्तीसगढ़ में किया गया है, जो पूरे देश भर में सर्वाधिक है। और इसी तरह अगर आप टोटल देश भर में देखोगे तो लगभग 140 करोड़ रुपये का लघु वनोपज का संग्रहण किया गया है, और 140 करोड़ रुपए में से सिर्फ लगभग 105 करोड़ रुपए का लघु वनोपज सिर्फ छत्तीसगढ़ में संग्रहित किया गया है। ये लगभग आपका 73.4% के आसपास में आ जाता है, जो लघु वनोपज सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में संग्रहित किया गया है। तो याद रखिएगा, ये मेंस के लिए भी मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपके प्रीलिम्स के लिए भी मस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसके बाद है हमारा, भारतीय रेलवे ने एक बहुत बड़ा कारनामा कह सकते हो किया है, और कारनामा वो किया है, एक मालगाड़ी है जिसका नाम है शेषनाग, नाम याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और छत्तीसगढ़ में ये इसलिए रिलेट करता है क्योंकि ये जो शेषनाग है एक मालगाड़ी है, इसकी लंबाई है 2.8 किलोमीटर, इसमें 251 खाली डिब्बे लगाए गए, 4 यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजन लगाए गए, जिसकी मदद से 2.8 किलोमीटर लंबा, सबसे लंबा आप कह सकते हो मालगाड़ी चलाया गया है। और ये छत्तीसगढ़ के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के तहत में चलाया गया है, यानी कि SECR, जो कि छत्तीसगढ़ के अंडर में ही आता है। और इसको चलाया गया है कहाँ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी कि साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जैसे कि मैंने बताया नागपुर डिवीज़न में। और रेलवे स्टेशन का कौन सा नाम है, ये है परमल कासा। और रेल का नाम याद रखिएगा शेषनाग, 2.कितना किलोमीटर ये याद रखिएगा। और इससे पहले बिलासपुर डिवीज़न के तहत में चकरभाटा तक एक ट्रेन चलाया गया था जिसका नाम था सुपर एनाकोंडा, वो 1 समथिंग किलोमीटर था, वो उस समय सबसे लंबा था, लेकिन अब शेषनाग सबसे लंबा हो गया है। और सुपर एनाकोंडा भी ACCR यानी कि साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के अंडर में ही चलाया गया था बिलासपुर डिवीज़न में, और शेषनाग को भी साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीज़न में चलाया गया है। तो दोनों के बारे में याद रखिएगा, दोनों साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के अंडर में ही चलाया गया है। इसके बाद जो ये है आपका शेषनाग, इतनी लंबी ट्रेन 2.8 किलोमीटर्स का, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, प्रदेश का ऑक्सी जोन, ये कुछ नहीं है, बस नाम आपको याद रखना है। प्रदेश का ऑक्सी जोन कहने का मतलब है कि रायपुर में कलेक्ट्रेट के पास एक पार्क बनाया गया, आर्टिफिशियल पार्क बनाया गया, यहाँ पर बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं, बहुत सारे जीव जंतुओं को रखा गया है ताकि यहाँ पर लोग सफ़र कर सके, यहाँ घूमने जाया जा सके, यहाँ पर लोगों को एक बेहतर एनवायरनमेंट मिल सके, इसीलिए इसे प्रदेश में बनाया गया है। कुछ डेटा याद रखिएगा, इसे लगभग 19 एकड़ में डेवलप किया गया है, जिसे प्रदेश का ऑक्सी जोन कहा जा सकता है।
प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि प्रदेश का पूछा जा सकता है कि प्रदेश का ऑक्सीजोन कहाँ बनाया गया है, तो ये रायपुर में बनाया गया है, कलेक्ट्रेट के पास में बनाया गया है। तो इन सब छोटे छोटे बातों को याद रखिएगा कि कुछ खास है नहीं, बस प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल जो है अत्याधुनिक केंद्रीय प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी डेवलप करने जा रही है। ये पर्यावरण मंडल जो है एक लेबोरेटरी डेवलप करेगी जहाँ पर अत्याधुनिक जांच किया जा सके, जैसे नदियों के पानी को जांचा जा सके, पेड़ को जांचा जा सके, और भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी वहाँ पर रिसर्च होते हैं इस लेबोरेटरीज में किया जा सके। तो इसका तैयारी जो है छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल कर रही है, और इसको कहाँ बनाया जाएगा ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको बनाया जाएगा अटल नगर यानी कि नवा रायपुर में, किसकी मदद से, लोक निर्माण विभाग की मदद से इसको तैयार किया जाएगा। प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, बस इतनी बात इस टॉपिक में आपको यहाँ ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट का टॉपिक है, कांकेर में बनाया जाएगा कोदो कुटकी प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पहले समझ लीजिए ये कोदो कुटकी है, ये होता क्या है, इससे रोटी भी बनाया जाता है, ये औषधीय गुण वाला भी होता है, तो इसकी काफ़ी डिमांड भी होती है, फॉरेन में भी इसकी काफ़ी डिमांड होती है, तो किसानों को कांकेर में इसका खासकर बहुत अच्छा उत्पादन होता है, तो वहाँ पर किसानों को प्रॉपर वे में इसका सही फ़ायदा मिल सके, इसीलिए कांकेर के कौन से क्षेत्र में, कांकेर जिले के सिंगार भाटा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में कोदो कुटकी व रागी का प्रोसेसिंग यूनिट बनाया जाएगा। ये आपका प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो भी वन डे एग्ज़ाम होता है छत्तीसगढ़ में, आपका जो ACF का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो कहाँ पर बनाया जाएगा कोदो कुटकी प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखिएगा कांकेर जिले में और सिंगार भाटा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में। तो आज के इस छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर एनालिसिस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो भी बताइएगा। अगर घर बैठे आप CGPSC मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, ACF की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो प्रीलिम्स के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, ऑडियो कोर्स भी अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। वेबसाइट पर विजिट करें, वहाँ पर सारी जानकारी लें। वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा भारत में अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए हमने एक दी करेंट अफेयर शो शुरू किया है, प्रत्येक रात को 9 बजे सोमवार से शुक्रवार तक चलता है। उसे भी आप सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिनको ज़रूरत है उन तक शेयर कीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।